कमिंग ऑन टू सीए फाउंडेशन, अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं तो एज ऑफ नाउ बेटा कितने पेपर पढ़ने पड़ते हैं आपको? छह। चार पेपर्स हैं जिसमें छह सब्जेक्ट हैं, जैसे सेकंड में कौन कौन सा है? लॉ और फोर्थ में क्या क्या है बेटा? इको एंड, बेटा यही है कि नहीं है? ये पेपर क्यूए का है, ये पेपर बेटा कौन सा है और ये कौन सा है? अब इन द न्यू सिलेबस अकाउंट्स रहेगा, लॉ रहेगा पूरा 100 मार्क्स का, क्यूए विल रिमेन एज इट इज 100 मार्क्स, अकाउंट्स भी 100 मार्क्स और चौथा पेपर इको का भी 100 मार्क्स। यानी क्या मतलब हुआ? बीसी के बीसीआर दोनों सेगमेंट हट गए हैं। 40-40 नंबर का पेपर था ये, ठीक, ये दोनों ही पेपर्स नहीं है। कुछ बच्चे जो यहाँ पर नेक्स्ट जून के लिए बैठे हुए हैं उनको ये दो पेपर्स नहीं पढ़ने, ठीक। यस, ऑब्वियसली बात है, लॉ में कुछ एक्ट बढ़ गए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बढ़ा दिया इंस्टीट्यूट ने और कुछ बेसिक्स बढ़ाया है। इको में यस, यहाँ पर भी कुछ चैप्टर्स ऐड किए हैं इंस्टीट्यूट ने जो पहले सीए इंटर लेवल पर थे। कमिंग ऑन टू अकाउंट्स, अकाउंट्स में बेटा डिलीटेड क्या क्या चैप्टर्स खत्म कर दिए। एवरेज ड्यू डेट नए कोर्स में नहीं रहेगा, ज्यादा करंट अकाउंट बता। तीसरा सेल ऑन अप्रूवल, बेटा चैप्टर कर लिया ना हमने, उसके अलावा कंसाइनमेंट, ये सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं वैसे, लेकिन ऑल द फोर चैप्टर्स आर नाउ डिलीटेड। खुश मत हो, आपके लिए नहीं है, बस बता रहा हूं नॉलेज के लिए, अगले जून वालों के लिए है। ये चार चैप्टर्स डिलीट हो गए एंड क्या क्या ऐड किया? इनकंप्लीट रिकॉर्ड, खतरनाक। पार्टनरशिप में इंस्टीट्यूट ने डिसोल्यूशन ऐड कर दिया, सीए इंटर को उठाते लाए हैं इसको, और साथ में पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ये भी इंस्टीट्यूट सीए इंटर से उठा के लाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी अकाउंट्स में ऐड हो जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसके अलावा बोनस शेयर्स। ये कुछ नए टॉपिक इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं और सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। बेटा बोलो ये कब से एप्लीकेबल होगा? एक बात और जो इंस्टीट्यूट ने पहली बार की, इस बार कभी नहीं हुआ ऐसा, इंस्टीट्यूट ने कोई ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं दिया इस बार। यानी ओल्ड सिलेबस के लिए दिसंबर 23 इज द लास्ट अटेम्प्ट, कोई दोबारा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। दिसंबर 23 में क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगर नहीं हुआ तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसफर, आप चाहकर भी पुराने कोर्स से दिसंबर के बाद एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यानी अगर दिसंबर में आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम लिखने वाले हैं और नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली उनको नए सिलेबस से ही एग्जाम देना पड़ेगा। देयर इज नो प्रोविजन कि आप इससे दे पाए, वरना पहले क्या होता था, तीन तीन चार चार अटेम्प्ट तक पुराने सिलेबस से भी एग्जाम होते थे और नए से भी होते थे। यानी दो पेपर आते थे एक बार में ही, अकाउंट्स का पुराना सिलेबस भी आएगा, नया सिलेबस भी आएगा। लेकिन अब इस बार कोई ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं है, पूरा का पूरा जून में ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन नए कोर्स में शिफ्ट हो जाएगा। बट स्टैट्स में एक चैप्टर सैम्पलिंग थ्योरी बढ़ाया है बस, पहले कभी हुआ करता था फिर हटा दिया, अब दोबारा आ गया, मोर ऑर लेस सेम है।